आज ही के दिन 27 जुलाई 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ। इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर जरूर देखें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कलाम के भारत रत्न पाने और राष्ट्रपति बनने के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करें, और लगे हाथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। अपनी सरकार के गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इंदर कुमार गुजराल ने तय किया कि वो भारतवासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि वो भारतीय सुरक्षा को कितनी ज्यादा तरजीह देते हैं। उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। इससे पहले 1952 में सीवी रमन को छोड़कर किसी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी की टाई को बार बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी जहां उन्हें इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वो अपने आप को कभी सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, यहाँ तक कि वो चमड़े के जूतों की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शूज पहनना ही पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्व प्रक्षेपण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलवाया था। कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक मिली तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास न तो सूट है और न ही जूते, मेरे पास ले दे के मेरी चरपू है, माने चप्पल के लिए तमिल में जो शब्द कहा जाता है। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हालत में वहां पहुंचो। उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय कराया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराई और उन्होंने वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम मुसलमान है। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हाँ लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक है। अब आते हैं कलाम के राष्ट्रपति बनने की कहानी की ओर। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो वाजपेयी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को ये संदेश जाता कि उनकी बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाएगी। कलाम ने इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार किया। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी से मिलकर बहुत विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों नहीं स्वीकार किया था। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए लेकिन मुझे आपसे हाँ ही चाहिए ना नहीं। शाम तक एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। आगे क्या हुआ, वो किस तरह के राष्ट्रपति साबित हुए, हम सब ने देखा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस।